Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। आप ही हाथ में बंदूक लेके क्या कर रहे हैं महाराज? अरे वो असल में का असल में हम तो यहाँ किचन में इतना दही कचौड़ी मंगाए थे शंभू के यहाँ से, बहुत जोर से भूख लगी थी ना। आप बताइए क्या बात है? ठीक है, तुम लोग बाहर मत निकलना, ओके? ए लाखन, ये जो फिल्म वाली बात है ना, कि ना मम्मी को बताओगे ना रुद्रा भैया से कहोगे, नहीं तो स्टार बनने का सपना ना अधूरे रह जाएगा। काहे? काहे कि तो हम तुमको अपना फिल्म से निकाल देंगे। तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही ना खत्म हो जाएगा, बुझा? नहीं नहीं कार्तिक बाबू, हमारा करियर आपके हाथ में है। अरे हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, काहे से कि इस जिंदगी भर हमको लठैती नहीं करना है, बस जितना बोले हैं उतना ही करना, ठीक है? अब उठा। ए राखन रुको, एगो बात समझ में नहीं आया, ये रुद्रा भैया क्या हम लोग को यहाँ रुकने को काहे कहे? अरे 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 रे, इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो भाई? कार्तिक भैया चंद्रिका अंदर है। अच्छा ठीक है, जस्ट चिल, तुम अभी जाओ और जब तक हम फोन ना करें यहां मत आना, ठीक है? ठीक है, हम देखते हैं उसको। ठीक है, चलो। अब कौन आ रहा है? किधर गया? देखो तुम जो भी हो ना, जल्दी से हमारे सामने आ जाओ, हमको पता है कि तुम इधर ही कहीं छुपे हुए हो। सुन रहे हो ना? हम पहले तुमको गोली मारेंगे फिर तुम्हारा नाम पूछेंगे, यही स्टाइल है हमारा। अरे रुद्रा भैया आप यहां? अरे कार्तिक अलर्ट रहा करो, कोई है जो ये कमरे में घुस आया है, कभी भी हम लोगों पे हमला कर सकता है। यही बात आपको कैसे पता चला? हमको किसे पता चला, देख रहे हो ना रूम का दरवाजा खुला है, तो इसका मतलब है ना कि कोई आया है यहाँ पे। हाँ भैया कोई तो है, हमको लगता है वो आपके सामने ही है। हमारे सामने? अरे भैया हम ही है। अरे हम आए थे अपने टीम के साथ ये जगह का मुआयना करने के लिए। क्या बोले तुम अपने टीम के साथ? अरे भैया एगो फिल्म बना रहे हैं, तो अपने टीम को लेकर आए थे कि लोकेशन वगैरह देख के उस हिसाब से स्क्रीन प्ले लिखेंगे, बस और कोई बात। कार्तिक तुम आए ये तो ठीक है, लेकिन तुम अपनी टीम के साथ का है? तो तुमको पता है ना कि तुम्हारा ये फिल्म उलिम बनाने से अम्मा तुम पे कितना नाराज रहती है। अरे अम्मा मना की है ना किसी को भी कमरा में आने से, अगर अम्मा को पता चला ना कार्तिक तो बहुत चिल्लाएगी तुम। आप मेरे प्यारे भैया है ना, मम्मी को मत बताइएगा, बस। हम मामा को नहीं बताएंगे, लेकिन हम तुम्हारे इस बचपना हरकत पर कब तक पर्दा डालते रहेंगे कार्तिक? अरे रुद्रा भैया एक बार फिल्म सुपर डुपर हिट हो गया ना भैया, तो देखिएगा आप और मम्मी सब मिल के ऐसे से, 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 से ताली बजाएंगे हमारे लिए। अरे रुद्रा भैया आप खामखा इतना टेंशन ले रहे हैं, अब 10 साल से आप बोल रहे हैं कि मेरा फिल्म नहीं हिट हुआ,
आइए हम आपको अपना इस फिल्म का स्टोरी सुनाते हैं, तब डिसाइड करेगा कि ये हिट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आइए। अरे आइए ना। ये तो है, हमारा सब गलत नहीं हो सकता है। जब विंध्याचल जी यानी तुम्हारे दादाजी अपनी पहली पत्नी के मरने के बाद उस नीला देवी को ब्याह कर उस घर में लेके आए थे, तब माधव भैया यानी तुम्हारे पापा बहुत छोटे थे। वो नीला देवी से बहुत प्यार करते थे, अपनी माँ से भी बढ़कर उनको इज्जत देते थे। माधव भैया नीला देवी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहते थे। अगर नीला देवी दिन को रात कह दे तो माधव भैया आंख बंद करके उस बात को मान लेते थे। एक बार चंदा यानी तुम्हारी छोटी माँ, उसने नीला देवी से बस एक सवाल किया, जिसकी वजह से माधव भैया चंदा से इतना नाराज हुए थे कि सबके सामने चंदा से माफी मंगवाई। आप हमरे के माफ कर दी, 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 हमरे के माफ कर दी। हमार के का वो मतलब ना। अम्मा, आपको कार्तिक के साथ इतना सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। बच्चा है वो अभी। कब तक बच्चा बना रहेगा? कब तक? कब तक? कब तक? अब बड़ा होगा कि भी नहीं? बड़ा होगा कि भी नहीं? कब बड़ा होगा? कब बड़ा होगा? उम्र बीतती जा रही है और वो अभी तक बच्चा के बच्चा बना हुआ है। अरे जिंदगी को मजाक बना के रख दिया है वो। अम्मा, आप उसको बिठा करके प्यार से समझा भी तो सकती थी ना। कौन नहीं समझाया? तुम नहीं समझाया का? हाँ, या हम नहीं समझाए? अरे 10 साल से हम लोग कर ही का रहे थे समझाने के सिवा, लेकिन वो अभी तक बच्चा के बच्चा बना हुआ है। देखो रुद्र, उसका नाम लेकर के हमारा दिमाग खराब मत करो। हम आपका दिमाग नहीं खराब कर रहे हैं अम्मा, बस हम भी कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा अपने मूड पे ना कंट्रोल रखिए। अरे इस तरह से सबको अगर निकाल दीजिएगा, उन लठैतों को, तो कैसे काम चलेगा? जैसे कि आपको भी पता है कि आपको इन लठैतों की जरूरत है। हम कहे ना, हमको किसी लठैत की कोनो जरूरत नहीं है, कहे कि हमको अब किसी पर भरोसा नहीं। अपने पुराने सिक्योरिटी गार्ड पर भी नहीं। कहे हम मानते हैं अम्मा कि आप गुस्सा, हम समझ गए, लेकिन आपको किसने किसी पर यकीन तो करना होगा ना। याद नहीं तुमको बाबा क्या बोले थे कि चित्रा की आत्मा हम पर हमला नहीं कर रही, बल्कि कोई घर का ही सदस्य है, हम लोगों के बीच का ही वो सदस्य है जो हम पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। और लड़की कहाँ है? का नाम है? चंद्रिका, जो हमारी गार्ड बन के आई थी, सुरक्षा का। कहाँ है वो? लेके आओ उसको यहाँ अभी के अभी। चित्रा दीदी यानी तुम्हारी माँ की आत्मा जो हमेशा चंदा और माधव भैया की रक्षा करती थी, वो नीला देवी की हर काली करतूत को रोकने का भरसक प्रयास करती थी। इसलिए नीला देवी एक बाबा के पास गई ताकि चित्रा दीदी को कैद करवा सके। बाबा ने चित्रा दीदी की आत्मा को कैद कर दिया। हालांकि चित्रा दीदी उस कैद से अपने आप को बाहर ले आई, लेकिन जैसे ही लीला देवी को चित्रा दीदी की उपस्थिति का फिर से पता चला, वो फिर से बाबा के पास गई। बाबा उनको फिर से कैद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो कहते हैं ना, एक आत्मा की सीमा होती है, वैसे ही एक इंसान की भी सीमा होती है। वो इंसान को तो मार सकता है,
लेकिन आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। चित्रा दीदी नीला देवी के हर साजिश को नाकाम करने में लगी हुई थी। तब नीला देवी के कहने पर वो बाबा चित्रा दीदी की आत्मा को एक बोतल में बंद करके उस कमरे में कैद कर दिया। चाची, इसका मतलब उस दिन जब हम वहां आए थे तो वहां हमारी माँ भी थी? हाँ बिटिया, चित्रा दीदी की आत्मा वही थी। मतलब जब हम पहली बार उस कमरे में आए तो हमें जो शक्ति अंदर खींच रही थी वो और कोई नहीं, हमारी माँ थी चाची। हाँ चित्रा दीदी वही थी, लेकिन अब हमको नहीं मालूम वो कहाँ है। मतलब उन्होंने अब वो बोतल कहीं और छुपा दी होगी ना? ठीक कह रही हो बेटी, माँ वही थी और हम माँ से मिल भी नहीं पाए। हम माँ से मिल भी नहीं पाए चाची, हम माँ से मिल भी नहीं पाए। माँ बिटिया, ना बिटिया तुम काहे रोती हो, मत रो। चित्रा दीदी की आत्मा को ये अच्छा नहीं लगेगा, उनको बहुत दुख पहुंचेगा तुम्हें ऐसे रोते देखकर। बिटिया एक बात याद रखना, पाप की उम्र भले ही लंबी होती है लेकिन उसका अंत एक ना एक दिन होता ही है। नीला देवी की सच्चाई सामने वो अपने पापों की सजा जरूर भुगतेगी, तुम देख लेना। तुम हमारी भतीजी हो? माधव भैया और चित्रा भाभी की बेटी। देखो इतनी बड़ी हो गई हो। वही हम सोचे कि ये लड़की हमको चाचा करके काहे बुला रही है। हम भी बुद्धू हैं, पहचान नहीं पाए। हमको माफ कर दो बेटी। चाचा, चाचा, उन लोगों ने हमारी माँ पापा और छोटी माँ के साथ बहुत बुरा किया, बहुत अन्याय किया उन लोगों ने। हम जानते हैं। तुम जानते थे तो कुछ क्यों नहीं किए चाचा? क्योंकि हम निकम्मा हैं, नकारा है। कहती है हमारी मम्मी हमको कि हम निकम्मा है, नकारा है, किसी काम के नहीं, और सच कहती है। हम सब कुछ अपने आंखों के सामने देखे। सब अत्याचार होते देखे लेकिन हम एक मूक दर्शक बनकर देखते रहे, कुछ नहीं कर सके। आई कैम डरपोक है ना। उधर वो मम्मी रुद्रा भैया बंदूक और गुंडों के दम पर लोगों को अत्याचार करते हैं, लोगों को लूटते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। हम कायर हैं, धिक्कार है हमारे लाइफ में, लानत है हमारे लाइफ में। हम कुछ नहीं कर सके,
लेकिन कल तो मम्मी ने हद ही कर दी भाभी। क्या हुआ था कार्तिक? कल मम्मी ने हमें सबके सामने बेइज्जत किया। मदद करो माता रानी, हमें अपनी माँ को उन दुष्टों के चंगुल से मुक्त कराना है। हमें संकेत दो माता रानी, हमें संकेत दो। ठीक से देखिए, कहीं चित्रा की आत्मा कैद से भाग तो नहीं गई ना? ठीक से देखिए बाबा। नहीं नहीं, यहाँ सब ठीक है, यहाँ कोई समस्या नहीं। चित्रा की आत्मा अभी भी बोतल में कैद इस गड्ढे में ही है। अगर कोनो समस्या नहीं है तो हमको इतना भय काहे लग रहा है बाबा? किस बात का भय? मन में क्या भास हो रहा है आपको बाबा? हमको ऐसा लग रहा है कि मौत हमारे सर पर मंडरा रही है। हम आपको पहले भी बोले थे कि हमारा काम एकदम पक्का होता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। आप हमारे इस कर्मकांड से निश्चिंत हो जाइए। हम आपको पहले भी बोले थे कि आपका शत्रु आपके ही घर में है। चित्रा की आत्मा तो बोतल में कैद है और ये आत्मा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले आप किसी नए व्यक्ति से मिली है क्या? नए व्यक्ति? हाँ बाबा। तो मिलके कैसा आभास होता है? अब आभास का हुआ ही तो हम बता नहीं सकते, लेकिन कार्तिक पता नहीं कहाँ से वो लड़की को पकड़ के ले आया। लड़की? 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 बाबा कहीं वो लड़की हमारी शत्रु तो नहीं है ना? देखिए बाबा, चित्रा कैसे हम पर हंस रही है। बोतल में कैद होने के बावजूद, जमीन के अंदर गड़ी भी है उसके बावजूद, ऐसा हमको देख के हंस रही है। मन तो करता है कि नहीं, गलती से भी इसको छूना मत, त्रिशूल को हाथ भी मत लगाना, नहीं तो मेरे वश में कुछ नहीं रहेगा। चलना चाहिए अब यहाँ से, और दोबारा आप ना इधर आएंगे और ना मुझसे आने के लिए कहिएगा। और चंदा भाभी वो तो ठहरी भोली भाली, उनको पहली बोल दी कि माधव भैया के करीब ना जाए, नहीं तो उनके याददाश्त को असर पड़ेगा। खबरदार, जो माधव को शादी की कोनो बात याद दिलाई, यही वास्ते सिंदूर पोंछ दो और ये जो मंगल तू ढकोसला पहना है तू तार के फेंक दो। मजी सुना नहीं? डॉक्टर ने कहा बोला कि उसकी जान को खतरा है, उसकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है काई। और इसी कारण से श्वेता माधव भैया के करीब और चंदा भाभी दूर हो गई। और चंदा भाभी को बोली कि अगर वो माधव भैया के करीब गई तो उनकी बची कुची याददाश्त भी चली जाएगी। और इसी डर से चंदा भाभी माधव भैया से दूर रहती थी और श्वेता उनके करीब। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है श्वेता, मालूम है तुम्हें? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जिनके पति उनको छोड़ के चले जाते हैं। और अंत में लाखन, ठीक है हम उल्टी गिनती शुरू करेंगे। हमारा पहला शिकार लाखन होगा। हम चलते हैं, हम आप लोगों को रात में मिलेंगे। कौन है? हाँ अम्मा जी, आप पीछे हटिए, आप डरिए मत, हमारे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। बंदूक चल जाएगा, लग जाएगा। अम्मा जी आपकी गन संभालिए, हम दूसरों के गन नहीं चलाते। रुकिए अम्मा जी, आप मत जाइए, हो सकता है कि उस दुश्मन के हाथ में भी हथियार हो जिससे आपको खतरा हो सकता है। तो हथियार तो हमारे हाथ में भी है। अम्मा जी आवाज मत लगाइए, वरना दुश्मन सतर्क हो जाएगा और हमें उसे पकड़ने में मुश्किल हो जाएगी। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। आपकी जान को खतरा है, आप हमारे पीछे आइए, हम आपके साथ चलते हैं। अगर वो गोली चलाएगा तो सबसे पहले गोली हमें लगेगी और आपकी जान बच जाएगी। आप सामने मत आइएगा। लेकिन अगर गोली तुमको लग गया और तुमको कुछ हो गया तो फिर हमें अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी आधार या पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अम्मा जी Well played. वाह, मजा आ गया, एकदम खून से लथपथ। खोलेगा
राज को देखा, हमरा राज, हमरा राज, हमरा राज, नीना देवी का राज खोलेगा तू, नीला के अपराधों का राज खोलने वाला इस दुनिया में कब आऊ नीरा, देख देख कैसे पड़ा है, मर गया क्या? लाखन मर गया क्या अम्मा जी? आपने गोली चलाई और ये मर गया? अगर और भी कोई यहाँ छुपा है तो बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी तुम्हारे साथी जैसा हाल होगा। ये हमरा बहुत वफादार गुंडा था। बहुत ज्यादा वफादार था क्या? एकदम कुत्ते के तरह वफादार था वो। आपने इसे मारा क्यों? ये हमको मारने की कोशिश किया था, नीला देवी पर हमला करने की कोशिश किया। इसको पता नहीं था कि नीला देवी पर हमला करने का अंजाम क्या होता है। सीधे परलोक, सीधे परलोक। पर वो आप पर क्यों हमला करना चाहता था? आपको इस बात का पता लगाना चाहिए था अम्मा जी। आपकी जान लेकर इसको क्या मिलता? ये तो एक मामूली सा लठैत है, आपकी सुरक्षा देखता था, जिसका इलाज ईश्वर के पास भी नहीं है। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए अम्मा जी। तो रही बात हमारे नंबर की, वो पहले किसी सुखदेव के नाम पर रजिस्टर रहा होगा, जो कंपनी से अपडेट होने में टाइम लगता है। जैसे ही वो अपडेट हो जाएगा, नंबर हमारे नाम पर आ जाएगा। और रही बात आधार कार्ड की, तो ये रहा हमारा आधार कार्ड। ध्यान से देखिए अम्मा जी, हमारा ही नाम लिखा है ना इसमें, चंद्रिका। अब तो आपको हम पर विश्वास हो गया ना अम्मा जी? देखिए अम्मा जी, हम आपको ज्यादा नहीं जानते, हम तो एक सीधे साधे नौकरी करने वाले हैं, लेकिन हमारे फील्ड में और हमारी ट्रेनिंग में एक बात सिखाई जाती है कि जिसकी भी सुरक्षा करो उसकी पूरी वफादारी भी करो। वफादारी ही हमारी फील्ड की एकमात्र शर्त है और वफादारी ही एकमात्र प्रतिभा। वफादारी नहीं तो सिक्योरिटी का कोई काम नहीं। हम तो आपके वफादार हैं अम्मा जी, आप चाहें तो हमारी जान भी ले सकती हैं, लेकिन ये सत्य अटल है, हम आपके लिए जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें कुल एपिसोड एकदम फ्री।